शहीद बीएसएफ जवान नरेंद्र सिंह अमर रहे और आज पूरा देश नरेंद्र सिंह के परिवार के साथ में खड़ा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उनको इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दी। नरेंद्र सिंह बीएसएफ के जवान थे और जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बैट बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की प्रशिक्षित एक टीम है, एक ग्रुप है जिनका स्पेशल काम यह है कि वो बॉर्डर के ऊपर जो भी तैनात हैं भारतीय सैनिक उन पे अंबुश लगा के उन पे हमला करना और उनकी गर्दन काट के लेके जाना, मतलब इस तरह से उसको प्रशिक्षित किया गया है। इससे पहले 2013 में एक हमला हुआ था हेमराज, जिसके ऊपर केंद्र सरकार आई थी कि हम एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, जो हेमराज था। उसके बाद में बैट टीम का ये दूसरा ही हमला है जिनको इंडिया बॉर्डर में आके ये हमला उन्होंने अंजाम दिया है। जवान भाइयों, मैं पूरे सैनिक कपिल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से, जो जवान है वो तो शहीद हो गया देश के लिए, उसके बाद में आती है यहां की राजनीतिक कि किस तरह की राजनीतिक हो चुकी है इस देश के अंदर की शहीदों के ऊपर भी अपनी रोटी सेकने जा रहे हैं। आप लोगों को दुख होगा कि हमारे को 70 साल से ज्यादा हो गए इस देश को आजाद हुए, पर जो नरेंद्र है बीएसएफ जवान शहीद नरेंद्र जी को आज भी अभी भी कागजों के अंदर शहीद का दर्जा नहीं है। पैरामिलिट्री के किसी भी जवान को शहीद का दर्जा नहीं है, मतलब 70 साल से ऊपर हो गई देश के अंदर, इस देश के अंदर आतंकवादियों के ऊपर रात में कोर्ट खुल जाते हैं, पर एक शहीद के लिए उसको कागजों में शहीद दिखाने के लिए पैरामिलिट्री को न न्यायपालिका न कार्यपालिका न विधायिका, इनके किसी के दरवाजे रात में छोड़ो दिन में ही नहीं खुलते। यहां आए सिर्फ राजनीतिक। मैं पहले एक बार आप हेमराज का वीडियो देखो जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि जिन्होंने वादा किया था कि हम 10 सिर लेके आएंगे वो एक सिर भी नहीं लेके आ रहे। हेमराज इतने जल्दी नहीं है क्योंकि शहीदों को यहाँ बुला दिया जाता है। तो जवान भाइयों, एक बार हेमराज का छोटा सा वीडियो। हेमराज का जो शव था गांव में लाया गया, कुछ देर घर में शव को रखने के बाद फिर शव को यहाँ पे लाया गया और करीबन 2 घंटे बाद यानी 9 बजे के आसपास जो हेमराज का जो बेटा है 5 साल का उसने जो मुखाग्नि थी वो दी थी। शहीद हेमराज पर देश को गर्व है, लेकिन जिस बर्बर तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया उसका गुस्सा उनकी अंतिम संस्कार में भी साफ साफ नजर आया। हमारे जो भाई का सिर कटा है हम उसका बदला लेना चाहते हैं। जम्मू से करीब 250 किलोमीटर दूर पुंछ के मेढर सेक्टर में पाकिस्तान के सैनिकों ने मंगलवार को LOC पार कर भारतीय गश्त दल पर हमला कर दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए 13वीं राजपूताना राइफल से जुड़े लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के भाइयों, आप लोगों ने ये कटिंग देख ली होगी कि अरविंद केजरीवाल वहां पूछे हैं, ये है राजनीतिक स्टैंड। अरविंद केजरीवाल को याद हो कि 2016 में हमारे रामकिशन गेरेवाल जो वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई चल रही थी, उस समय रामकिशन गेरेवाल ने जवान और जेसीजो के लिए आत्महत्या करी थी अपने जंतर मंतर के ऊपर कि जो वन रैंक वन पेंशन जो केंद्र सरकार बोल रही है वन रैंक वन पेंशन हमने दे दिया, तो रामकिशन गेरेवाल ने यह बोला था कि वन रैंक वन पेंशन सिर्फ केंद्र सरकार ने अधिकारी रैंक को दी है, जवान जेसीजो को नहीं दी। उसके बाद में वहां जो राजनीतिक हुई आप उस चीज को देखो। अरविंद केजरीवाल का भी है छोटा सा वीडियो। केजरीवाल भी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने गांव पहुंचे। केजरीवाल ने भी परिवार के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया कि रामकिशन को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। कि वो कितने बहादुर व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भी देश के लिए जी और वो मौत भी उन्होंने देश के लिए की। हम उन्हें शहीद मानते हैं, दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। आम आदमी पार्टी ने शाम को दिल्ली में रामकिशन की याद में श्रद्धांजलि सभा भी की।
इन सब के बीच हरियाणा की बीजेपी सरकार का कोई मंत्री और कोई बड़ा देशवासियों, ये है अरविंद केजरीवाल का वीडियो जिसके ऊपर उनकी राजनीतिक ये बताती है कि उसकी मेहनताक्षाएं कितनी है, कितनी लंबी है, कि उनकी दौड़ कितनी है। उन्होंने गिरेवाल को शहीद का दर्जा दिया और 1 करोड़ राशि की उन्होंने हां भरी और आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद में 1 नौकरी की, ये जो रामकिशन गिरेवाल ये कलानौर के पास के गांव है जिनका बमड़ा गांव से है, आज तक उनको 1 फोटी कोड़ी नहीं मिली। उनके परिवार वाले वहां जाते हैं तो उनको मिलने का समय नहीं मिलता। उसके बाद में वो अपना टिकड़ा किसके ऊपर फोड़ते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर, कि केंद्र सरकार ने फाइल रोक दी। जब उनके अंदर शक्ति है ही नहीं, साइन की उनकी पावर में है ही नहीं, तो उनको इस तरह से सैनिकों की भावनाओं को उनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और यही बात ये सोनीपत में होगी, जो नरेंद्र जी के बोले हैं वही होगी, क्योंकि हम उस परिवार को भूल जाते हैं, पूरा देश थोड़ी भूल जाता। हम तो उस दिन की मीडिया के अंदर सुर्खियां देखते हैं कि हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की राशि दे दी और 1 नौकरी दे दी। उसके बाद में 6 महीने के बाद में कोई उस परिवार से पूछेगा कि उसको मिला है या नहीं मिला, क्योंकि वो परिवार तक ही सीमित हो जाएगी। ना वहां मीडिया जाएंगे, ना नेता जाएंगे, ना इन चीजों को लेकर आए। आज तक रामकिशन गिरेवाल के परिवार को 1 फूटी कोड़ी नहीं मिले, और वो ज्यादा दूर नहीं है, कलानौर के पास में ही, हरियाणा से ही है। ये इतनी गिरी हुई राजनीतिक आज के टाइम जो अरविंद जी कर रहे हैं वो बहुत ही भयानक है। जो शहीदों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, शहीदों के अपमान करने भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे हैं तो हम तो इनका धन्यवाद करते हैं, सलाम करते हैं। आप पहले तो नरेंद्र जी को दीजिए, सोनीपत वाले को आप 1 नौकरी 1 करोड़ रुपया दीजिए, उसके बाद में कलानौर वाले को दीजिए। नहीं तो आप अपनी राजनीतिक हरियाणा में चमकाने के लिए इस तरह के झूठे वादे करके उसके बाद में उस परिवार को बोलोगे कि देखो मैंने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया फाइल पर, मैंने केंद्र सरकार को भेज दी, एलजी को भेज दी, और एलजी उस पे साइन नहीं कर रहा। ठिकड़ा किसके ऊपर फोड़ना? केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा, अपने आप को बचाव की मुर्दा में बाहर निकल के आना और ठिकड़ा सीधा केंद्र सरकार के ऊपर बहना। जब उनकी शक्ति है ही नहीं, उनके हाथ में है ही नहीं, उनकी पेन में कलम है ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही नाजायज है। आप देने वाले हो तो पहले तो जो रामकिशन गिरेवाल है उनको दीजिए। दूसरा मेरे भाइयों, ये मतलब दूसरी घटना है जो पाकिस्तान के साथ में, इस तरह की जो घटना पाकिस्तान ने करी है, मतलब एक सैनिक के शव के साथ में, क्योंकि बैट टीम को सीधा प्रशिक्षित किया जाता है कि हाथ, कान, नाखून, छाती, कुछ भी आपसे फटे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, कि सामने वाला, देखने वाला, उसकी रूह कांप उठे। तो मैं ज्यादा नहीं बोल इसके ऊपर बोल सकता। मैंने अभी तक हमारा कहीं भी हमने फेसबुक पे उनको इस तरह की फोटो नहीं लगाई है, क्योंकि मेरे को मालूम है और हम सबसे ज्यादा इन भाइयों के लिए मांग पत्र दे रहे हैं, सारी जगह उठवा रहे हैं कि इनको शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। पर 70 साल से ऊपर हो गया इस देश के अंदर, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, तो ये जवानों का भला कहां करेंगे? चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, यहां मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, वो जो भी आए वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, शहीद जवान हो रहे हैं। आज उनका लड़का एक नौकरी के लिए वो भी मांग रहा है, जब उसके पिताजी ने देश के ऊपर गोली खाने में जिनसे नहीं करी, किसी से बगैर पूछे हुए गोली खा ली 125 करोड़ लोगों के लिए, तो आज उनको सम्मान देने में क्यों हरियाणा गवर्नमेंट भी पीछे है? क्यों भारत की स्टेट के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं? और आ रहे हैं तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, देने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, पर नहीं लगता कि जो आज 2016 से जो रामकिशन गिरेवाल हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला है। तो जय हिंद जय जवान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से कपिल फौजी, जय हिंद जय जवान।